हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय सेल्फ रजनी चंदेल. टुडे आई विल टीच यू फाइलम एनिलिडा. अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूले मत, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइलम एनिलिडा, जिसको हम बोलते हैं सेगमेंटेड एनिमल्स. इसमें हमारे सारे जो एनिमल्स आएंगे उनकी बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स बने होंगे, ठीक है. इसमें हमने एग्जांपल करनी है अर्थवॉर्म की, जिसका नाम साइंटिफिक नेम है फेरिटीमा पोस्ट्यूमा, ठीक है. जर्नल करेक्टर्स आगे देखते हैं. इसका फर्स्ट करेक्टर जो है हैबिटेट. हैबिटेट कहाँ रहते हैं? एनिलिड्स अकर इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल. सम आर बोरिंग एंड अ फ्यू पैरासाइट. कुछ जो एनिमल्स हैं इसके जो है अर्थवॉर्म, वो वाटर में रहना भी पसंद करते हैं. मॉइस्ट सॉइल, गीली गीली सॉइल जो होती है वहाँ रहना पसंद करते हैं. कुछ बरो बनाकर रहते हैं उसमें, ठीक है, सॉइल में. नेक्स्ट है मेटामेरिक सेगमेंटेशन. द एनिलिड्स आर करेक्टराइज्ड बाय मेटामेरिक सेगमेंटेशन, दैट इज़ द बॉडी इज डिवाइडेड एक्सटर्नली, बाहर से डिवाइड होगी उसकी बॉडी, बाय रिंग लाइक ग्रूव्स द एनुलाई एंड इंटरनली बाय ट्रांसवर्स सेप्टा. जो बाहर से वो डिवाइड करेगी उसको बोलते हैं ग्रूव्स. वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बने होंगे उसकी बॉडी के ऊपर. जो अंदर से डिवाइड करती है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेप्टा. द सेगमेंट्स आर कॉल्ड मेटामर्स. हर एक सेगमेंट्स को हम बोलेंगे मेटामर्स. नेक्स्ट आ जाता है सीटे. सीटे आर प्रेजेंट इन अर्थवॉर्म. ये भी अर्थवॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. हम नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे इंटरनल में वो कैसे बनी है. आपको लेबल सब किया हुआ मिलेगा. नेक्स्ट है बॉडी वॉल. द बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ थिन एंड मॉइस्ट नॉन सेलुलर क्यूटिकल सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस एंड सेलुलर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती हैं इसमें. द मसल्स आर स्मूथ विच आर हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल एंड हेल्प इन लोकोमोशन. वो हेल्प करती हैं लोकोमोशन में. लोकोमोशन का मतलब है मूवमेंट करना. सिलोम बॉडी कैविटी, ठीक है. द ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट इन मॉइस्ट एनिलिड्स. सिलोम्स इज डिवाइडेड बाय सेप्टा इनटू कंपार्टमेंट्स. हर कंपार्टमेंट में सिलोम्स डिवाइड किया होगा. द सिलोम इज फिल्ड विद सिलोमिक फ्लूइड विच कंटेन्स सेल्स, जिसमें सेल्स प्रेजेंट होंगे. नेक्स्ट हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन. द सिलोमिक फ्लूइड सर्व एज हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की तरह बिहेव करता है. डाइजेस्टिव ट्रैक इसका कंप्लीट हो गया. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इसमें वो स्किन के थ्रू एक्सचेंज करते हैं अपनी गैसेस, ठीक है. ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या है? इट इज़ यूजली क्लोज्ड टाइप. ब्लड इज़ रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट. इसकी बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसलिए जो अर्थवॉर्म का ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है. Found in the plasma, the siloemic space and fluid have been modified to form the circulatory system. It is called hemosiloemic system बोलते हैं इसको, ठीक है. Excretory system में क्या है? It consists of coiled tubular structure called nephridia. Very very important term है, ये बड़ी बार question में आ जाती है. Which help in osmoregulation and excretion. Nephridia जो है वो excretion में help करता है. नेक्स्ट आ जाता है नर्वस सिस्टम. द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नर्व रिंग. इसमें रिंग बनी होती है, वो क्या है? सॉलिड डबल मिड वेंट्रल नर्व कोड एंड गैंग्लिया बना होता है. सेक्सिस इसमें क्या है? बायसेक्सुअल सेक्सिस आर प्रेजेंट. एग्जांपल हमने इसमें अर्थवॉर्म की करनी है. नेक्स्ट हम डायग्राम में देखते हैं कि इसके डायग्राम में क्या क्या लिखा हुआ है. डायग्राम में पहले उन्होंने बताया हुआ है प्रोस्टोमियम, जो इसका माउथ पार्ट होता है. उसके नीचे आ जाता है पेरिस्टोमियम. फिर जो सेंटर में एक आपको मिड लाइन दिख रही है ना, सेंटर में उसको बोलते हैं डॉर्सल लाइन, ठीक है. और जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे क्या हैं? सीटे हैं. सीटे क्लाइटेलम जो है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं बॉडी के, उसके नीचे वाले में नहीं, ठीक है. बाकी फिर वो डॉर्सल पोर्स आ जाती है. सेगमेंट्स सारी बॉडी को बोलेंगे, ठीक है. लास्ट में एनस है और एनल सेगमेंट है, ठीक है बच्चे. ये हमने आज डायग्राम की है अर्थवॉर्म की. अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ पूछ सकता है. थैंक यू.